वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 23 अप्रैल और आज है वो दिन जब हमें एमजी की कॉमेट चलाने को मिलेगी। आज हम करीब 4 से 5 घंटे इस गाड़ी को चलाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और फिर जो भी अपनी इनडेप्थ एनालिसिस वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमें कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो एमजी का दिया हुआ जो गिफ्ट पैक था वो भी हमने अभी सुबह खोला है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, ये आपको फोटो में दिखेंगी। सो थैंक यू एमजी फॉर दैट। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 एक्चुअली, और अभी हम जा रहे हैं फटाफट नीचे ब्रेकफास्ट करने कि बाहर हमने रूम से देखा तो गाड़ियां रेडी हो चुकी हैं, तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन फटाफट निकलते हैं गाड़ी लेके। तो विल सी यू ऑन द रोड एंड तब तक के लिए गुड बाय नहीं बोलूंगा, वीडियो तो शुरू हुआ है अभी। बहुत एंग्जाइटी होती है, हमेशा ऐसा लगता रहता है कुछ सामान रह गए, ऐसे कुछ सामान रह गए। इस वीडियो में बाय द वे मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अच्छा मौका जिसमें आप जीत सकते हो लाइफ टाइम फ्री एंटरटेनमेंट। मतलब आपको मिलेगा मौका जीतने का एक ब्रांड न्यू सोनी प्लेस्टेशन 5, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। अब कई गेमर्स को तो जैकपॉट मिल ही गया और कुछ लोगों का तो बचपन का सपना पूरा हो जाएगा, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। Happy Ganya. How was the food, bro? Very nice. Had good food. मजा आ गया. Light food एकदम. रुच रुच भी खाया एकदम, ऐसा ज्यादा ही हेल्दी फील हो रहा है, लग रहा है थोड़ा दौड़ वड़ लगा के आता है, ऐसा जिम विम करते वाली फीलिंग आ रही है। We are heading out to look कि MG का कितना बढ़िया सा सेटअप हुआ हुआ है, बट आई थिंक उससे पहले हम चेकआउट वगैरह कर लेते हैं। चेकआउट वगैरह करेंगे उसके बाद ही निकलते हैं बाहर, फिर हम यहाँ से निकलेंगे गाड़ी लेके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चेकिंग आउट यस। ऑल डन सर, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सो मच। मेरा नाम गलत लिखा हुआ था यार, रजत हंस। रजत हंस क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ब्रोटोमोटिव सही लिखा, ब्रोटोमोटिव में ई था। वो भी गलत, एटलीस्ट ब्रोमोटिव तो नहीं था ना। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। कार्स ही कार्स। मेरी कमर। मेरे साथ बहुत जबरदस्त चीज हुई है कल रात को, मेरे को नींद नहीं आई। मेरे को बहुत मेजर इश्यूज हैं, मैं कोई नए बिस्तर पे जाता हूँ तो मेरे को नींद नहीं आ पाती, स्पेशली होटल में तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। ऑल्दो कमरा वगैरह बहुत जबरदस्त था लिमेरिडियन का, बट इवन देयर हमारे 3 बैग तो मस्त आ गए उसमें। अभी 2 सीटर बन गई है गाड़ी, वैसे कोजी कोजी होके गाड़ी चला रहे हम जब निकल रहे थे उससे जस्ट थोड़ी देर पहले हमारा ब्रीफ हुआ है। एंड यहाँ से हम अभी जा रहे हैं सुंदर नर्सरी। आई एम अज्यूमिंग दैट शुड बी अबाउट 40-45 मिनट्स का रास्ता गाड़ी वहाँ तक ले जाके। देयर इज अ कैफे देयर, सो वी विल हैव सम कॉफी और समथिंग टू ड्रिंक एंड उसके बाद विल हैव ऑलमोस्ट 2-3 घंटे मिलेंगे हमें गाड़ी को एक्सपीरियंस करने को। प्लान तो मेरा ये है क्योंकि हम दिल्ली से, हमें कुछ थोड़ी बहुत 2-4 लोकेशंस पता है, अगर हो पाया तो वहाँ जाएंगे, अगर नहीं हो पाया तो उसी के आसपास कोई जगह देख के वहीं पे रिव्यू वगैरह शूट करेंगे एंड अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। चले। जितना MG की प्रेजेंटेशन देख के हमें समझ में आया है ये गाड़ी फीचर और एंटरटेनमेंट पैक्ड है, तो जब आप ये गाड़ी चलाओगे तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। पर अगर आप घर बैठे बैठे एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हो तो आपके पास है मौका जीतने का एक ब्रांड न्यू सोनी प्लेस्टेशन 5, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। 5 मई को है इंडियन T20 लीग का मैच राजस्थान और गुजरात के बीच, तो मैच से पहले डाउनलोड करिए My11Circle ऐप को और आज ही अपनी टीम बनाइए इस मैच के लिए। My11Circle ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करिए गिव अवे कॉन्टेस्ट और पाइए एक मौका जीतने का ब्रांड न्यू सोनी प्लेस्टेशन 5। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 5 मई के मैच के लिए ही वैलिड है, और ये कॉन्टेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है और सिर्फ हमारे दिए हुए लिंक से ही एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आप जीत सकते हो पूरे 1 करोड़ रुपए और सेकंड प्राइज में एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करिए My11Circle ऐप को और यूज करिए हमारा ये कूपन कोड, तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट में मिलेंगे 20% एक्स्ट्रा कैश। तो डाउनलोड दी My11Circle ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर राजस्थान वर्सेस गुजरात नाउ। पर यार व्हाइट विंग मिलनी चाहिए यार, दैट्स मोर लाइक अस, नॉट व्हाइट।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 15-20 गाड़ियां होंगी एडेड है, सारी गाड़ियां पास। हम भी बैठ जाए भाई, गाड़ी में फ्लैग ऑफ होने वाला है। थंबनेल ऐसे ले, थंबनेल सारी गाड़ियां दिखनी चाहिए। बोलिए ना, जो कराएंगे जेनुइन काम करा सकते हैं। मेरी तरफ से एक चीज जो आपको मिलेगी वो है कि क्वालिटी प्रॉमिस रहेगी, घपले नहीं होंगे काम। अरे बारिश, हाँ हो सकती है ना, देख ला ये देखो ना, मस्त आ रही है बारिश। उधर देख ना काले बादल, धूप बारिश, धूप बारिश। चल हम एप्पल कारप्ले ऐड करें। इसका एक फीचर है जिसमें एप्पल कारप्ले है और एंड्रॉइड प्ले भी है। एंड्रॉइड प्ले ही बोलते हैं ना, हम यूज नहीं करते, हम थोड़े पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करते थे, हमें पता नहीं, तो वो भी है। तो मैं एप्पल कारप्ले से एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फ्लैग ऑफ होने वाला है। इन 3, 2, 1 Hey, I can't do it in such pressure, man. Give me time. My MG 000078. हाँ, RS 12 Mini. Perfect. Pair. Perfect. Okay, got it. Don't allow contact sync. I don't want people to get my contacts. तो ये हो गई है गाड़ी स्टार्ट। हमने डाल दिया है ड्राइव मोड। जैसे आगे वाले लोग चलेंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। सबसे पहले पहनो सीट बेल्ट। यहाँ चालान आ जाते ना? चालान आने का कुछ वो है नहीं क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ए, स्टीयरिंग व्हील इज सॉफ्ट, इट्स गुड, आई एम सपोज्ड टू गो राइट ना। एंड बाय द वे आई एम ड्राइविंग इन इको मोड, यू शुड चेक आउट इको मोड पे पिकअप आता कैसा है। हम हैं इको मोड पे, ये आ गए हम नॉर्मल मोड पे, ओके, और ये है स्पोर्ट्स मोड। नॉट बैड, नॉट बैड, लेट्स गो एट इको फॉर नाउ। बैटरी है अभी 97%, रेंज दिखा रहा है 194 की, तो जो क्लेम्ड रेंज है दैट इज 230, अभी हमें 194 दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी थोड़ी देर ऑन भी खड़ी थी, हम गोप्रो वगैरह सेटअप कर रहे थे। आई एम अज्यूमिंग उससे थोड़ा बैटरी चलेगी। अभी जो नर्सरी तक जाना है थोड़ा रास्ता, मैं पहले स्टार्टिंग है इको मोड पे चला रहा हूँ जस्ट टू गेट अ फील ऑफ द कार, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड पे भी चलाएंगे। मिरर क्यों नहीं खुले अभी? मिरर वाला बंद है। Electronically adjustable, but not electronically folding. I am सही जा रहे हैं ना? Hey Siri, Hey Siri, Hey Siri, Hey Siri, Hey Siri. Set map location to Sundar Nursery. अबे यार वापस चलेगी वो तब तक. Hey Siri. Set map location to Sundar Nursery. यार इको पे भी बहुत अच्छा है पिकअप यार। रुको रुको रुको, हमें जान दो। मुझे वो कलर बहुत सुंदर लगा, वो जो ग्रे सिल्वर सा कलर है ना, बहुत प्रीमियम लग रहा है बहुत कलर। डैशबोर्ड इज मिनिमल एंड दिस इज जितना एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए उतनी है, स्क्रीन उतना है, उससे बहुत ज्यादा और बड़ा बड़ा नहीं है, विच आई रियली अप्रिशिएट। स्टीयरिंग व्हील इज आल्सो वेरी स्मॉल बट चलाने में मजा आ रहा है। मनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, मैंने अज्यूम नहीं किया था कि इतनी अच्छी मनूवरेबिलिटी होगी। बहुत प्यार से गाड़ी लेफ्ट राइट एकदम कंट्रोल हो रही है। हम सबसे आगे चल रहे हैं क्या? अच्छा, नहीं, हम सभी आगे हैं। बाकी डैशबोर्ड का तो जो फी है, मतलब जो जो उसके फीचर्स हैं, आई थिंक जब हम रुकेंगे तब डिस्कस करेंगे। स्टोरेज कैपेसिटीज बहुत है, जैसा हमने कल इवेंट पे देखा था, हमारे फोन वहां रखे ना देख दोनों, मस्त। तो अभी जो है हमें स्क्रीन पे जो दिख पा रहा है, एक तो दिख रहा है ट्रिप, एक दिख रहा है मीटर स्पीड, एंड हमारी स्पीड दिख रही है, ड्राइव मोड दिख रहा है, बैटरी परसेंटेज दिख रही है और कितनी रेंज है वो दिख रहा है। तो स्टार्टेड एट अराउंड 86-87 किलोमीटर, अभी 391 हो गया। देखते हैं सुंदर नर्सरी तक पहुंचते पहुंचते कितना होता है। और भी ये बटन्स हैं, बैटरी यूजेज कैसी हो रही है, अगर मैं पिकअप करता हूं तो ग्राफ सीधा ऊपर गया और फ्लैट हो जाता है इलेक्ट्रिक में, then it goes down. तो वो रियलिस्टिक है जितना मुझे कल MG के टीम मेंबर्स ने बताया कि आप ब्रेक मारोगे तो ये देख ब्रेक लाइट जलेगी, डोर खोलोगे तो डोर का वो खुलेगा, हेडलाइट डिपर करोगे तो दिखेगा, हेडलाइट अप करोगे वो भी उसमें दिखता है, तो बहुत अच्छा है। और फ्रैंकली जो हमने लास्ट रिव्यू करा था MG हेक्टर का, उसमें डिस्प्ले वगैरह काफी लैगी लग रहा था। अभी तक लास्ट फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ इंप्रेशंस में मुझे कहीं पे भी लैग दिखा नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी रियल टाइम एंड वेरी क्या बोलते हैं स्नैपी, परफेक्ट वर्ड मैन, परफेक्ट वर्ड, काफी स्नैपी है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है भाई गाड़ी की, ये मिरर्स बोलो, ये बोलो विंडशील्ड बोलो, साइड ग्लासेस, साइज बड़े है ना तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, पीछे भी विजिबिलिटी काफी अच्छी आ रही है मुझे। वो चाहिए यार गाड़ियों में, कुछ कुछ
गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है, जिस किस्म का शेप बनता है ना। अब ये क्योंकि थोड़ा सा टॉल डिजाइन बनाया ऐसा, मतलब कंपैरेटिवली टॉल नहीं है वो बाकी गाड़ियों से, पर कॉम्पैक्ट है तो इसलिए थोड़ी ऐसी उठी भी लगती है। तो उसके ग्लासेस और विंडोज जो निकल के हैं बहुत प्यारे हैं। और पीछे का मेरे को एक वो फीचर बहुत अच्छा लगा था, इन्होंने वर्टिकल सी विंडो दी है, पूरी ओपनेबल नहीं है वो, बट जब पीछे बैठेंगे तो उसको भी एक बार एक्सपीरियंस करेंगे कि व्यू कैसा आता है। एक चीज नोटिस करी, ये है हम, ये है ऑल्टो। अब देखो ऑल्टो हमारे कहाँ आ रही है। मैं सोच रहा था इसकी हाइट बराबर ओवर होगी छोटी गाड़ियों से, काफी ऊंची है। मेरे को तो इको मोड पे मजा आ रहा है यार, मस्त धीरे से 48 की स्पीड पे चल रहे हैं प्यार से एकदम, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, अच्छी लग रही है गाड़ी यार। दिल्ली में बहुत बदलाव हुआ है यार लास्ट 10-15 साल में। ग्रीनरी बहुत इंप्रूव हो गई है, ट्रैफिक रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस काफी इंप्रूव हो गए हैं, मतलब लोगों की ड्राइविंग सेंस इन इटसेल्फ बहुत इंप्रूव हो गई है। देख यहाँ पे मैं तेरे को बोल रहा था ना, जो टर्शरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यहाँ पे फटफटिया चलते हैं, यहाँ पे ऑटो चलते हैं, यहाँ पे ई रिक्शा चलते हैं, यहाँ पे आज तक वो ह्यूमन पुल्ड रिक्शा चलते हैं, बाइक वाली वो सर्विसेज उबर और उन सब में जो बाइक से जो ट्रैवल करवाते हैं वो बहुत मिलते हैं। पेट्रोल पंप, we don't need petrol pump, we just need a 16 ampere socket जिसमें हम प्लग लगा के इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, which is very convenient यार, unlike other charging modules, इसको 16 ampere के socket में डाला तो चार्ज हो जाएगी। ऐसे दुकान में जाने, भैया पानी की बोतल है, हाँ चार्जिंग सॉकेट है, हाँ गाड़ी चार्ज करनी है आधा घंटा। हाँ जी चार्ज ही तो है, हाँ पीछे की सीटें अभी डाउन करी हुई है तो उसमें बैठ सकते हैं, अभी लॉन्च होने वाली है 4 दिन में, ट्राई पे चल रही है। तो ट्रायल के लिए सबको बुलाया, सब टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो 40 गाड़ियां हैं रोड पे अभी, अच्छी लग रही है बहुत। अरे बहुत प्यारी बनाई है, चलिए गुड डे, पहला रिव्यू मिल गया हमें तो रोड पे, पॉजिटिव रिव्यू, MG गुड गोइंग मैन। ये कौन सा गुरुद्वारा है एग्जैक्टली कौन सा मुझे नहीं पता, बट मैं आया हूँ यहाँ पे भी आया हुआ हूँ मैं। दिल्ली वाले प्लीज बुरा मत मानना, बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए, अब जगह और वो सब याद नहीं रहता, ओनली सो मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द हेड। अगर मैं गलत बोल दूँ तो प्लीज बुरा मत मानना, मेरे ख्याल से बीघा जी कामा प्लेस है, सही है कि गलत है, टिक मार देना नीचे है। देख कितना सुंदर एरिया है, और एक रिएक्शन देख लोगों का यार, मस्त यार, लोग गाड़ियों को एकदम टकाटक टकाटक एकदम आंखों से तोड़ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पीपल्स रिएक्शन इज गुड मैन। ये देख अंकल वो देख, कितने लोग रुक पाएंगे रे, इलेक्ट्रिक है गाड़ी? हाँ जी इलेक्ट्रिक है जी, अभी टेस्ट चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी, कहीं पे देख रहे हैं नई दिल्ली में बहुत घूम रही है, हां नई दिल्ली में ज्यादा घूम रही है, हां हां अंकल ने हमें गलत घुमा दिया, कि हमसे ऐसा ना हो कि यूटर्न ना हो। अरे यार टर्निंग रेडियस कितना प्यारा है यार, मजा आ गया। अच्छा हुआ ना मैप लगा लिया, कोई दिख ही नहीं रहा आसपास सामने इधर उधर, अब कोई हमें फॉलो करता हुआ सोच आ गया हो। ओलो वाला पीछे देखना पूरा स्पीड पे आ रहा है, पकड़ नहीं पा रहा बट। ये नहीं लिया आपने? सर अभी लॉन्च चल रहा है गाड़ी का, टेस्टिंग पे है गाड़िया हमारे पास, MG बड़ी वाली है वो है। अच्छी लग रही है? इलेक्ट्रिक कार है, 4 सीटर है। अरे हैप्पी बर्थडे सर, 230 की रेंज है, इलेक्ट्रिक है और अच्छी बनाई है गाड़ी काफी। नहीं अभी 27 को लॉन्च है, चलिए यार वो डॉग को यार उसमें घुमा रहे हैं यार स्ट्रोल में, देखना तो प्यारा लग रहा है डॉगी यार। That is precision, man. That is how you get to park and drive cars when you live and breathe at Brotomotive. कोई नहीं कर सकता। हम आए हैं सुंदर नर्सरी, थोड़ा सा घूमते हैं, जगह देखते हैं। There is a good cafe as well here. Cafe जाके थोड़ा सा खाते पीते हैं। MG की टीम ने हमारे लिए कुछ खाने पीने को रखा है। So we'll experience that. And थोड़ा सा आपको इधर के भी दिखाते हैं व्यूज वगैरह। गाड़ी तो अभी है और हमारे पास 3 घंटे,
पेशेंस रखो, सबर करो। गाड़ी भी दिखाएंगे, पर जो लोग दिल्ली नहीं आए ये जगह भी देखो यार, इतनी खूबसूरत जगह। नमन भी पहली बार आया, अच्छी लग रही है ना। आपको दिखाते हैं नर्सरी एंड देन वी विल टेक द कार आउट फॉर अ लॉन्गर टेस्ट ड्राइव। लेट्स गो। एक बात ये है कि दिल्ली में रहते हुए मैं भी कभी इधर नहीं आया। बहुत सुंदर जगह है यार, मजा आ गया। अगर आप दिल्ली आसपास रहते हो तो आना जरूर है, जब एंजॉय करोगे फैमिली के साथ, संडे को आओ, बस मॉल के मजे लो, एंजॉय करो, यू विल फाइंड एक्टिविटीज फॉर एवरीवन। बस जगह है। आई होप आपको सुंदर नर्सरी के व्यूज बहुत अच्छे लगे हो, बहुत ही सुंदर लगे हो। नाम ही इसलिए सुंदर नर्सरी है। हमने थोड़ा सा जूस वूस पिया है, यहाँ पे एंजॉय किया है। अभी हो रहे हैं 10:30, फटाफट निकलने वाले हैं। अभी हम गाड़ी लेके लॉन्गर टेस्ट ड्राइव के लिए, और फिर शूट करेंगे हम प्रॉपर रिव्यू, वो आपको हम दिखाएंगे अपने मेन चैनल पे। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत कम। लेट्स सी यू ऑन दी अदर साइड। अभी हो रहे हैं 3:16, हम परफेक्टली अपने टाइम के हिसाब से चल रहे थे, बट हमारे साथ हो गया है पिचकुई। वो पिचकुई ये हुआ कि हमने एक्सटीरियर के पूरे शॉट्स ले लिए, इंटीरियर के भी पूरे शॉट्स ले लिए, और मैंने नमन से बोला, नमन जरा चेक कर यार, ऑडियो तो आया है ना। और अच्छा हुआ चेक कर लिया बेटा, क्योंकि इंटीरियर के शॉट्स में ऑडियो चला गया था, क्योंकि मेरे माइक की हो गई थी बैटरी खत्म और टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो हमने फटाफट इंटीरियर के सारे शॉट्स दोबारा लिए। मुझे ऐसा लग रहा है यार थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, बट जो है अभी हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, अपनी तरफ से जितना कर पाए हमने किया है। कुछ रहेगा तो हम इसको वर्कशॉप में जाके अपनी तरफ से इनपुट्स डाल के फिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, हमारी कोशिश ये रहती है, हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट विथ बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड अपनी तरफ से जितना अच्छा इंटेंट डाल के दे सके उतना दें, बट कभी कभार हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अभी भी हमारी फ्लाइट है 6:00 की, तो हमें 4:00 एयरपोर्ट पहुंचना है, और अभी बज रहे हैं 3:15। पहले हमें यहाँ से जाना है होटल, होटल जाके गाड़ी सरेंडर करनी है, उसके बाद हमें खाना भी खाना है, क्योंकि हम सुबह से गरीबों की तरह एकदम आधी रोटी खा के बैठे। कुछ खाएंगे तभी तो एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे ना, तो इसलिए फटाफट कुछ खाएंगे, फटाफट अपना सामान वगैरह सब चेक करेंगे और भागेंगे फिर एयरपोर्ट के लिए। तो अभी आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट होटल पे, नहीं तो एयरपोर्ट पे, जहाँ पे भी हमारी हिम्मत हुई शूट करने की। अब फटाफट बस निकलना है, और अब इस गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड टेस्ट होगा। फाइनली अभी बज रहे हैं 4:10। हम लोगों के साथ जो इशू हुआ था माइक का, वी वर एबल टू मिटिगेट द डैमेज एज मच एज पॉसिबल। होटल आए, सबसे मिले, फटाफट लंच किया, सामान चेक करके लिस्ट पूरी मैच करके अभी जस्ट निकले कैब में बैठ के। वी आर एग्जिटिंग गुड़गांव एंड वी गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। अब हम सीधा लैंड करने के बाद वर्कशॉप जाएंगे और तभी आपसे मिलेंगे। लेटर दैट सेम इवनिंग। बहुत लेट हो गया है, मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूं, नमन भी जस्ट अपने घर पहुंचा होगा। बहुत ज़्यादा थक गए हम, मैं तो पूरे 2 दिन सो भी नहीं पाया था, और अभी फाइनली घर पहुंच के खाना वाना खाऊंगा, सोऊंगा। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने सीरीज़ बनाई है 2 एपिसोड की, दिल्ली जाके पूरा जो आपको दिखाया है इन वीडियोज़ के थ्रू, आपको पसंद आया होगा। कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी सीरीज़ कैसे लगी। और जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, My11Circle डाउनलोड करके आपको मिलेगा मौका जीतने का एक ब्रांड न्यू PlayStation 5, और साथ ही साथ आप जीत सकते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए और एक ब्रांड न्यू थार भी। गेट 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मिलेगा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। हाँ, इनको भी देखो, ये भी सब्जी काट रहा है बैठ टंडे की सब्जी पास्ट। ओके बाय। ओके बाय। क्या मैं ले रहा हूँ ना, मेरे को लगा तू ये शॉट नहीं दिया तो फिर क्या फायदा हुआ इधर आने का है। खेत अलग है बट कोई नहीं, फील ले लो, शाहरुख खान भी नहीं हूँ मैं। 3 शाहरुख खान मिलेंगे तो मैं बनूंगा। शक्ल हमारी भी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, हल्का ही खाना चाहिए भाई। बहुत जगह पे कांड करके मैंने सीखा है ये चीज। कितना क्यूट है देख।
हेजल। हाय हेजल। इतना पुराना होगा फिर सोच। Evil Dead Rise। थोड़ा सा स्लाइट चेंज इन प्लान, पहले मौसम जाएंगे फिर जाएंगे गाड़ी करके।